आप अपने गोल को अचीव करने से पहले और गोल को अचीव करने के बाद कुछ और। आप एकदम अलग माइंडसेट आपका हो जाता है। और मैं इसमें कहूंगा कि आपका ना केवल गोल के बाद ही, आपके बीच में भी जैसे आप प्रोसेस में चल रहे हो उसमें भी आप कुछ लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं, वो आप जो चल रहे हो रास्ते पे उसमें भी आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि आपके माइंडसेट को बिल्कुल बदल देते हैं। लाइक कि एल्केमिस्ट जब उसके पास गया था, वो ग्लास वाले के पास, तब वहां पर उसका माइंडसेट एकदम बदल चुका था। पहले जहां पर वो चल रहा था रास्ते में, उसके पास भेड़े वगैरह थी, उसके बाद उसके पास कुछ नहीं था, उसके बाद उसने 1 साल काम कर लिया था, उसके बाद वो एकदम डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो अपने गोल से बिल्कुल हट गया था, उसके बाद उसका माइंडसेट अलग हो गया, पर स्टिल उसको याद आया तो फिर वो अपने रास्ते पे चलने लग गया। ऐसा कई बार होता है। मेरे को एक चीज लगती है कि जो साइंटिस्ट होते हैं, इसरो में कोई साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, वो 10 साल 20 साल एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, तो ऐसे फेजेस जरूर आते हैं उनकी लाइफ में भी जब उनको लगता है कि उनका जो ध्यान है उस चीज से अलग जा रहा है। मतलब एक प्रोजेक्ट, हमारी लाइफ में भी हम देखते होंगे कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो काम उस पर काफी टाइम काम करते करते हम कई और चीजों पे डाइवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये चीज मुश्किल है, क्योंकि एक चीज पर आप कॉन्स्टेंटली फोकस कर रहे हो तो आप उससे लगता है कि ये बोर होती जा रही है, अब ये बोर कर रही है मेरे को, है ना, अपने गोल की तरफ काम करते रहे, तो हम सोचते हैं कि हम थोड़ा साइड ले लें। बट ऐसा नहीं है कि वो आपका गोल के प्रति आपका जो वो है वो कमजोर हो रहा है, वो हमारा दिमाग जो है वो एस्केपिज्म में जा रहा है कि भाई इसमें तो बहुत मेहनत है तू वो कर ले। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से बताता हूँ जिससे एकदम क्लियर हो जाए।